जब ये शो लगेगा तो आपकी बर्थडे होगी, ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता लगा। तो अच्छा सर हैप्पी बर्थडे सर, एंड आई विश के नहीं, बहुत लंबी उम्र हो, आप वो खुश रहें और हमें इसी तरह से आपसे ओह बहुत थैंक यू कुछ सो मच, सीखने को मिले। थैंक थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो देखो, यू सर। और सर सबसे पहले आज जिकर कल दिन था वो हमारी औरतों का आलमी दिन, तो बहुत मनाया जाता है, मर्दों का आलमी हाँ, दिन था। मैं मुझे और लोगों ने बताया कि बेंजी, मैंने कहा कभी पिटाई नहीं कर चुके अभी तक, मर्दी एक दूसरे की है, उनके लिए दिन बनाया जा रहा है। क्योंकि वो औरतों का तो बहुत दिन मनाया जाता है, मर्दों का नहीं मनाया जाता है। अगर मुझसे पूछे तो मैं जिस पोजीशन पर हूँ या जो कुछ मैंने सीखा है उसमें मर्दों का बहुत आते, चाहे वो मेरी फैमिली के हों, हाँ चाहे हाँ आप हों, चाहे मेरे दोस्त हों, खास हाँ तौर पे मेरे इंडियन फ्रेंड्स, जो कि हर वक्त मैं जैसे कहते हैं ना, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। तो मैं तो उसे खैर बहुत उसे उसे थैंकफुल हूँ। उसे मेल प्रिविलेज समझिए, क्योंकि जो जिम्मेदारियां हमारे कल्चर में लड़कियों पे होती हैं इन देयर अर्ली पार्ट ऑफ द टीन इयर्स और समथिंग, जैसे मेरी बहनें जो थी, उनको उनका उनका सबसे बड़ा अजाब था रोटी बनाना, सर्कुलर कैसे बनती है। बड़ी आप बाजी जो थी, उन्होंने तो सिंपल देखा, इधर उधर कोई नहीं, वो टिफिन का ढकना रखे ठक मारती। और छोटी जो थी आप ही मेरी, वो बेचारी करते करते, अब उसमें हमें कहीं वो कुछ करना की जरूरत नहीं होती थी। सो जनरली मेन हैव हैड दैट एडवांटेज के ये नहीं करना पड़ा, लेकिन बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा रहा, बिकॉज मेरी कोई बहन नहीं थी और सबसे छोटी मैं थी घर में। तो ओहो मेरी मदर ने कहा था कि खाना तो खैर देख देख के सीख ही लोगी, कभी ना कभी उन्होंने सिर्फ मेरी रोटी की प्रैक्टिस करवाई थी कि हो, ये बेटा बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती। और वो तवा तो ऐसे हो या ऐसा हो, ये भी हाँ बड़ा एक टेंशन था। वही तो। अब ये कि कभी पता नहीं आपसे मुलाकात होगी लाइफ में, तो मैं आपको रोटी और पराठा जरूर बना के खिलाऊंगी, ओके और वो मैं बहुत चले, ये अच्छा बनाती हूँ। अरे इंसेंटिव। एक खीर, और एक खीर वो भी अच्छा चावल वाली असली खीर, ओहो, अच्छा खाने की बात वो ना करें, इसमें अच्छा। बड़ी टेंशन है, ऊपर ऊपर खाना नहीं है घर में आज। घर में आज खाना नहीं, नहीं वो आपने मुझे बताया था, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि मैं अगर कभी मिली आपसे तो ये दो चीजें जरूर। तो सर सबसे पहले आज अगर बात करेंगे तो मैं सबसे पहले आपके आर्टिकल की बात करूंगी। मैंने आपका आर्टिकल अभी पढ़ा और बड़े आप मुझे नाराज लगे कि जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है फुटबॉल का, फीफा, उसमें आपने कहा बायकॉट करेंगे, उसका क्या रीजन है? देखिए, जब एक दुनिया कतर को देख रही है कि साहब कतर के जो लोग हैं वो दारू नहीं बेचने दे रहे और गे एंड लेस्बियन कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं, आप ये सोचिए कि 6,500 नेपाली, पाकिस्तानी और इंडियन मजदूर मर चुके हैं वहां, स्टेडियम की कंक्रीट में उनकी बॉडीज दफन हैं और दे आर गोइंग अननोटिस्ड। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हम हमारे हाथ में है कि हम उस इश्यू को सामने तक लेके आए। मुझे कई लोगों ने, रेडियो स्टेशन जो हैं उन्होंने फोन करके, दे हैड नो आइडिया कि 6,500, क्योंकि कतर की गवर्नमेंट कहती 3 लोग मरे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो थैंक गुडनेस कि उससे पहले मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ 2-3 साल से। आपको पता है कि 2 फ्लाइट डेली काठमांडू और कतर में जाती है, इतना मजदूर नेपाल का वहां पे है, एंड सबके सब सड़कों पे सोते थे। इनके ऐसे ऐसे रहने के कंटेनर्स को आपस में सील करके एक सिलेंडर टाइप का बना के, जहां सांस ना ले सके आदमी, वहां ये जाके सोते थे। 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर दिन में इनसे काम लिया गया है, एंड मोस्ट ऑफ द डेड डाइड इन देयर स्लीप, एंड बिकॉज दे जस्ट कुड नॉट टेक दिस बर्डन। और हम एक वर्ल्ड कप को एंजॉय करने के लिए बैठेंगे कि देखो उसने गोल कर दिया और तमाश भी नहीं है और दारू नहीं मिल रहा तो उस पे नाराज है कोई। द पॉइंट इज कि जो लोग असल विक्टिम हैं इसके, कि एक फिरौनियत है अरब वर्ल्ड में
कि ये जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के जो बांग्लादेश के लोग हैं, इनको वो हमें इंसान नहीं समझते। एक तो दे आर डिराइसिव अबाउट इट इन अ वेरी रेसिस्ट वे। रफीक कहें या मस्कीन कहें या दत्तूर भी कह लेते हैं, हिंदी भी कह लेते हैं, बट द अरब हैज वेरी लिटिल रिस्पेक्ट फॉर एनी वन हु इज नॉन अरब एंड नॉन वाइट। तो वो उनको उनका एटीट्यूड ये होता है कि तुमको किसने कहा था भाई मुसलमान बनने में, तुम कहाँ से आ गए बीच में। इस पे वो इब्न तेमिया ने भी लिखा है कि वो अरब जो वो नॉन अरब मुसलमान जो अपने आप को अरबों के बराबर समझता है वो गुनाह कर रहा। तो इस हद तक इंट्रेंच्ड है इनमें सुप्रेमसिस्ट आइडिया। उसमें जो गल्फ एरियाज की कंट्रीज में दुबई इज फार बेटर इन मेनी रिस्पेक्ट्स, क्योंकि वहाँ इंडिया का रुपया चलता था और पुराने ताल्लुकात हैं ट्रेड के, वहाँ ओमान में भी। तो ये जो अरेबिया और कुवैत इस साइड के लोग हैं, ये इतनी धुतकार के हमें वो ट्रीट करते हैं कि कुछ हमारे लोग आदतन इनके गुलाम बन गए हैं। एंड दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि अरब से क्या गलती हो सकती है, वरना अरबी में अरबों के ही अंदर इस्लाम आया, पैगंबर भी अरब थे। तो अरब्स आर अबव क्रिटिसिज्म। और इसमें आप देखिए, हमारा खुदा हाफिज हट के अल्लाह हाफिज हुआ, क्योंकि खुदा तो पर्शियंस कहते थे। तो हमने तो 1,000 साल के अपने रिवाज सब खत्म किए। एंड वी हैव स्लोली दावत को हम दावा कहते हैं, अब इस्लाम की दावत देना ये कहा जाता था। आजकल आप आम पाकिस्तान में दावा इस्लाम। सो वी हैव बिकम, एक तो हमको अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता, हम अपने आप को हिंदुस्तानी भी नहीं कहते। आप इस्लामाबाद में हैं, आप शायद ही कोई पंजाबी अपने आप को पंजाबी कहता होगा, क्योंकि ही और शी वॉन्ट्स टू प्रूव कि उसकी उर्दू बड़ी अच्छी है। पश्तूनों के साथ कितनी बदतमीजी की जाती है, या उन्हें कितना डीपली इंग्रेन बिलीफ है कि ये तो फालतू लोग हैं, इनकी सोच वोच नहीं होती। दिस हैज कंटिन्यूड। उस पस मंजर में मैं जब देखता हूं कि लोग मरे जा रहे हैं के साथ कतर के अंदर, और ये इस्लाम कंट्री है ये, तो जो सच है वो तो बोलने की हमारा हक है जहां तक हम बोल सकते हैं। सो आई दैट इज व्हाई आई डिस्टेड इट, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट सी अ सिंगल मैच। खबर भी देख, मुझे क्या पड़ी है कि आप 40-40 हज़ार डॉलर की रिश्वतें दे के इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। डेलीगेट आया हुआ है, वो मिलीनियर हो गया। आप नेटफ्लिक्स पे देखिए फीफा अनकवर्ड जो डॉक्यूमेंट्री है, एंड यू विल बी जी शॉक्ड क्या करते हैं हमारे साथ, हशर कैसे हमें गिना जाता है। यानी कॉलोनियलिज्म खत्म कहाँ हुई है, तो अब भी चल रही है। बस ये है कि पहले वो अंग्रेज को आना पड़ता था कराची का डिप्टी कमिश्नर बनने, अब वो वहीं से बैठे हुए कर रहा जो चाहे कर ले, वर्ल्ड कप करा ले, मरवा दे। यू नो द ट्रेजिडी दैट आर पीपल सफर इज उसका उसकी गिनती नहीं है। अभी सब कह रहे हैं यूक्रेन का जहाज वो उड़ गया था, वो अब उसको सजाए मौत होगी ईरान वा। अरे भैया 150-200 आदमी मर गया, पूछने वाला नहीं है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, यू माइट बी टू यंग, जब एक ईरान एयर का जहाज उड़ा दिया था पर्शियन गल्फ पे, अमेरिकन ने सारे पैसेंजर 200-250 मरे, पूछने वाला कोई नहीं। तो जो अब अगर हम वेस्ट में बैठे हैं और हमारी एक्सेस है अखबार तक, तो ये फिर जिम्मेदारी हो जाती कि एडिटर नाराज भी हो जाए, बट यू हैव टू राइट अबाउट द ट्रूथ।